Hello everyone, welcome to Maths Solution. I'm here to solve your maths problems. Chapter number 1, Knowing Our Numbers. Last videos में हमने 1.3 exercise की 2 questions solve कर लिए थे. आज हम third question solve करते हैं. तो question क्या है? Estimate the following products using general rules. इसमें भी estimate राउंड ऑफ यानी कि हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 578 मल्टीप्लाई 161. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम लिखेंगे राउंड ऑफ 578 इज इक्वल टू 578 का सेम एज वही रूल रहेगा 578. ये हंड्रेड्स हैं तो 100 में लास्ट वाले 2 डिजिट्स चेक करेंगे हम. इसका सेकेंड वाला हम चेक करेंगे 78, यानी कि 78 को पहले हम लेस करेंगे, हमारा आ जाएगा 500. और जो सेकेंड वाला डिजिट है वो 5 से अबव है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 600. तो यहाँ लिखेंगे 600. नेक्स्ट हम लिखेंगे राउंड ऑफ 161 इज इक्वल टू, इसी तरह से ये सॉल्व होगा 161, इसमें 61 हम लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100. और जो ये वैल्यू है सेकंड वाले डिजिट है वो हमारा जो है 5 से अबव है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200. यहाँ पे हम लिखेंगे 200. और इसे हमारे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हुआ ना, ये देखिए ऊपर, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लियरली. कैसे? 600 मल्टीप्लाई बाय 200. चलिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0, फिर 0 है 0 का 0, 0 0 का 0, 0 6 का 0, देन डबल 20 का 0, 20 का 0, 6 को 2 का 12, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 0 0 0 और 12. हमारे पास क्या आंसर आया? ये यहाँ पे कॉमा, यहाँ कॉमा, तो हमारे पास आया 120,000. ये हमारा जो है एस्टिमेटेड निकल आया प्रोडक्ट. हम यहाँ पे लिखेंगे एस्टीमेटेड प्रोडक्ट. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व होता है. अब हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे. राउंड ऑफ 5281 इज, इसका जो राउंड ऑफ है पीछे का वाले 3 डिजिट चेक करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5000, क्योंकि 2 जो है वो डिसाइड करता है कि ये 5000 होगा. ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे राउंड ऑफ 3491 इस, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3000. ये आपका राउंडिंग ऑफ है. अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास वैल्यू आ गई 5000 3000. तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 0 0, को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा. अब 3 से करते हैं, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 5 3 15, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0 0 0 0 50. 3 के बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 5 को 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर लो और जितनी जो जीरो है वो आगे लगा दो, तब भी वो सॉल्व हो जाएगा. सेम है, एक लंबा मेथड बन जाता है, पर ये है कि एक क्लैरिटी आपको बनाने के लिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है. अब हमारे पास ये क्वेश्चन तो सॉल्व यहाँ पर होता है, लेकिन अगर आपने इसको एक्यूरेसी बतानी हो तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए एक्यूरेट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल. देखो
हमारे पास वैल्यू है 5281, ठीक है। तो ये जो 281 है ये 500 के करीब नहीं है, ठीक है, काफ़ी उससे लेस है। तो ये तो वैल्यू ऐसे ही आएगी, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये अदर मेथड्स कह सकते हैं आप इसको, राउंड ऑफ 5281 इज, इसका जो राउंडिंग ऑफ है वो 5000 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंड ऑफ 3491 इज, अब अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर आप जनरल रूल देखो तो 491 जो है वो जो है जो 500 के करीब करीब है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ना 3500 हो जाएगी। आप इसको ऐसे ना 491, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3500, ये आ जाएगा आपका राउंडिंग को। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 5000 3500, देखिए 0000000, फिर 0 से 0000, अब 5 को करिए, 5 0 0 5 0 0 5 0 0, 5 5 20, 3 से करेंगे फिर 3 0 0 3 0 0 3 0 0, 5 3 15, वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 0 5 5 2 7 1, ये आपके एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। सी पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, हम लिखेंगे राउंड ऑफ 1291 इज, इसका कैसे होएगा एस्टिमेट, यहाँ पे इसका आएगा 291 है ना, 500 से लेस है, यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये इसका राउंड ऑफ निकल आएगा क्योंकि हमने थाउजेंड्स में चेक किया। नेक्स्ट हम लिखेंगे राउंड ऑफ 592 इज, इसका क्या आएगा, ये वाला डिजिट्स में चेक करेंगे, 92 है, 50 से अबव है, तो ये 600 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 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
0.006। ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकल आया। ठीक है, अब इसी को हम मोर एक्यूरेसी के लिए कि हमें इसमें चाहिए तो हम इसको हंड्रेड्स में उठा के देखते हैं। देखो हमारे पास वैल्यू है, हम लिखेंगे राउंड ऑफ 1291 इज, इसको हंड्रेड के थ्रू करेंगे हम 91, यानी कि पीछे वाला 9 चेक करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1300, यानी कि 291 जो है वो 300 के करीब है, हमारे पास आ जाएगा 1300। फिर हम लिखेंगे राउंड ऑफ 592 इज, ये तो वही रहेगा क्योंकि 600 के ऑलरेडी करीब ही है, तो हम यहाँ पे 600 ही ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 1300 और 600, 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0, वही आएगा, 0 ही आएगी वैल्यूज। अब हमारे पास एक 60 0 0 60 0 0 6 3 18 और 6 1 6 और 1 7 78 आ जाएगा हमारे पास। 0 इसका 0 0 0 8 और 7, ये हमारे पास एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकल जाएगा। मतलब अगर आपको मोर एक्यूरेसी चाहिए आप उसको हंड्रेड्स में चेक करो, और अगर आप वो ऊपर वाला तो मेथड मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है, हम डी पार्ट भी सॉल्व करते हैं आगे इसका। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू राउंड ऑफ
9250 is, इसका एस्टिमेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारा आएगा 9000, यहाँ पे हम लिखेंगे 9000, ठीक है। इसी तरह से हम राउंड ऑफ इसका भी निकाल देंगे। 29 is, इसमें ये टेंस वाला आ गया, ध्यान रखना इसका सिंगल डिजिट ही चेक करना आपने। तो यहाँ पे हमारे पास ये 30 के करीब है, हम यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जीरो जीरो दस जीरो, जीरो दस जीरो, जीरो दस जीरो, जीरो दस जीरो, थ्री जीरो दस जीरो, थ्री जीरो दस जीरो, थ्री जीरो दस जीरो, नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन, वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो 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 सेवन टू। ठीक है, बाद के बाद हमारे पास ये एस्टिमेटेड जो है मल्टीप्लिकेशन निकल गई, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये हमारे निकल, यहाँ पे आपका डी पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।